टॉम सॉयर। बच्चे अपना काम करवाने के लिए कई प्रकार के स्वांग रचते हैं। टॉम सॉयर इस कथा का नायक है। वह बहुत ही नटखट है। आइए देखें कि वह किस प्रकार अन्य बच्चों से काम तो कराता ही है, साथ ही उनकी चीजें भी ले लेता है। एक था टॉम, एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट बच्चा। वह अपनी बूढ़ी मौसी पॉली के साथ रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर वह मुस्कुरा भी पड़ती थी। एक दिन टॉम की शरारत पर मौसी पॉली ने उसे बड़ी सी चार दीवारी पर सफेदी करने की सजा सुना दी। टॉम को लगा, क्या वह इतना सुहावना दिन इस तरह बिताएगा। उसने पुताई करना शुरू भी नहीं किया था कि तभी नौकर पानी भरने के लिए बाल्टी लेकर निकला। टॉम को तरकीब सूझी। उसने नौकर को पुताई करने का काम सौंपा और स्वयं बाल्टी भरने का काम ले लिया। पर मौसी पॉली को आता देख वह बाल्टी लेकर भाग गया। लेकिन अब भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद बेन रॉजर्स सेफ खाते और स्टीमर चलाने की नकल करते हुए वहाँ से गुजरा। बेन ने बड़ी सहानुभूति से पूछा कि आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम ने कहा कि ये काम उसे बहुत पसंद है और वह इस काम से बहुत खुश है। अब बेन इस पुताई के काम को करने के लिए टॉम से बड़ी मनुहार करने लगा, पर टॉम ने नखरे दिखाए। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया और अगर पुताई में कुछ गड़बड़ हो तो उसके बदले अपना सेब देने की भी पेशकश की। टॉम ने एहसान दिखाते हुए ब्रश बेन को दे दिया। कुछ देर बाद और भी लड़के आए और टॉम को चिढ़ाने लगे, पर सब के सब टॉम की बातों में फंस गए। अब टॉम आराम से पुताई के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो। यही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपने प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। कुछ ही देर में चार दीवारी पर तीन तीन बार पुताई हो गई। अब टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में खेलने जाने की अनुमति मांगने लगा। पॉली मौसी ने पहले पुताई पूरी करने के लिए कहा। टॉम ने विजय के गर्व से भरकर बताया कि पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई है। मौसी ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा कि वह क्यों झूठ बोल रहा है। टॉम ने कहा कि झूठ नहीं, वह सच कह रहा है, और उसने चार दीवारी मौसी को दिखाई। चार दीवारी देखने के बाद मौसी की आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और खुश होकर उन्होंने टॉम को बढ़िया सा सेब दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मजे से सेब खाता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था और सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है।